दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यूएचएस के एक नए नोटिस के बारे में बताएंगे। यूएचएस ने NAMS MD का रिकंडक्ट के जरिए अप्लाई करने के बारे में एक नया नोटिस जारी किया है। दोस्तों, यूएचएस ने अप्लाई करने के लिए NAMS की बेस पर अप्लाई करने के लिए एक नया दाखिला फॉर्म जारी कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने एडमिशन एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ NAMS MD कैट के लिए नया नोटिस जारी किया। ऑल दोज कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड द यूएचएस एडमिशन एप्लीकेशन 2019-20 एंड नो वांट्स टू जो NAMS MD कैट की बेस पर प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स नॉट लेटर देन 14th of October 2019 बिफोर 5 PM। आपने बैंक पेड बैंक ऑफ पंजाब का चलान फॉर्म, NAMS रिजल्ट कार्ड और पेड डिपॉजिट 2500 रुपीज़ का जो है बैंक किसी दोनों में से किसी बैंक में जो आपने फीस पे की होगी उसका चलान फॉर्म अपलोड करना है। बैंक ने एक नेशनल बैंक में कर सकते हैं और दूसरा बैंक ऑफ पंजाब में। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन आपने फिल करना है। बैंक ऑफ पंजाब चलान आईडी, फुल नेम, फादर नेम, सेल नंबर, ईमेल आईडी, पोस्टल एड्रेस, अमाउंट टू बी पेड 2500 रुपये है। अपलोड करना है बैंक ऑफ पंजाब का चलान, अपलोड करना है बैंक डिपॉजिट स्लिप, NAMS का रिजल्ट कार्ड और सबमिट कर देना है। सबमिट करना है आपने ये कम से कम 14 अक्टूबर 2019 शाम 5 बजे से पहले। ये अगर आप NAMS की बेस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये करना है आपने। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ लग घंटी के बटन को दबाना मत भूलें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।